मेरे बेटे को बचा लीजिए। रवि को अगर कोई बेगुनाह साबित कर सकता है तो है जनता, सिर्फ जनता। लेकिन सर, जनता बादशाह से बहुत डरती है। माथुर साहब, डर दिलों में नफरत पैदा करता है। लोग बादशाह से नफरत करते हैं और रवि से प्यार, लेकिन सामने आके दिलों की भावनाएं दिखा नहीं सकते। लेकिन तन्हाई में तो अपने दिल की बात कर सकते हैं। तन्हाई में कही हुई बात कौन सुनेगा वकील साहब? बादशाह की ताकत है MLA कृपाशंकर। अगर कृपाशंकर ही हार गया तो बादशाह खत्म हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि रवि इलेक्शन लड़े कृपाशंकर के खिलाफ? जी हाँ, लोग सामने आकर रवि के हक में बोल तो नहीं सकते, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर बिना किसी डर के मोहर तो लगा सकते हैं। इस सारे इलाके में सिर्फ रवि ही एक ऐसा इंसान है जो बादशाह जैसे शैतान को खत्म कर सकता है। आपका वोट रवि की जान बचा सकता है। अगर रवि इलेक्शन जीत गया तो वो हमें बादशाह के जुल्म से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप लोग हिम्मत आ जाएंगे तो बादशाह हर रोज एक परिवार को खत्म कर देगा। याद रहे, गरीब की ताकत उसकी वोट होती है। बादशाह जैसे राक्षस से आप लोगों को सिर्फ मेरा बादशाह ही बचा सकता है। मैं रवि को वोट दूंगा। ना कोई पोस्टर, ना कोई मीटिंग। आज हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कौन पैदा हो गया? अरे उस साले की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी, कौन वोट देगा उसे? तुम एक गुंडा हो, राजनीति का भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये जो जनता है ना, ऊंट की तरह होती है। कौन जाने साला किस करवट बैठेगी। ये अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत एक कागज पर मोहर लगा कर दिखाती है। अब डरे हुए हैं MLA साहब? कुर्सी निकलने का डर किसको नहीं होता बादशाह। पर ये बार तो हाई कमांड ने हमको मंत्री बनाने का वादा किया है। हाथ लेके आऊंगा। कान खोल कर सुन लो बस्ती वालों, अगर कोई भी आदमी वोट देने गया तो वो हमारा गुनहगार होगा और उसकी सजा मौत होगी। अगर कोई औरत वोट डालने गई तो वो विधवा हो जाएगी। अगर कोई मर्द वोट डालने गया तो वो होगा विधवा। एक बुड्ढे की वजह से हमारा सारा खेल बिगड़ गया। ठीक है रवि, वोट तो तुझे मिले पर इलेक्शन तू नहीं जीतेगा। चलो वोटों के सारे डिब्बे छीन लो। चलो इंस्पेक्टर, यहाँ पोलिंग खून खराबे के बीच हुई है, इसलिए मैंने पुलिस की मदद मांगी है। यह गुंडे बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश कर सकते हैं। सर, सारे बक्से वैन में रखवा दीजिए, मैं खुद वैन के साथ जाऊंगा। सर, रवि का कोई कसूर नहीं है। सर, रवि खातिर नहीं है। सर, रवि कुमार के हर वोट के साथ एक स्लिप निकली है जिसमें लिखा है कि रवि निर्दोष है। काशीपुर विधानसभा सीट की मतगणना पूरी हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार श्री रवि कुमार 3600 वोटों से विजयी घोषित किए जाते हैं। नमस्कार, बिना समाचार। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री रवि कुमार को निर्वाचित घोषित किया गया है। श्री रवि कुमार पर एक हत्या का आरोप था, लेकिन उस क्षेत्र के मतदाताओं ने श्री रवि कुमार के निर्दोष होने की गवाही के रूप में अपने मतों के साथ साथ एक लिखित पर्ची भी डाली।
अदालत ने इसे जनता और भगवान का फैसला मानते हुए श्री रवि कुमार को बाइज्जत रिहा कर दिया है।